ओके, ये वाला वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम जिन मूवीज के बारे में बात करने वाले हैं उसके अंदर तुम्हें एडवेंचर, कॉमेडी, साइंस फिक्शन, काफी कमाल की स्टोरी और एक फील गुड मूवी देखने को मिलेगी। एंड मैं थ्रिल कैसे भूल सकता हूँ, ये 10 की 10 मूवीज नेटफ्लिक्स पे ट्रेंड कर रही है। वैसे तो 10 की 10 मूवीज बहुत ज्यादा बढ़िया है, लेकिन एक मूवी है भाई इतनी ज्यादा कमाल की है, मैं हर किसी को आंख बंद करके रिकमेंड कर सकता हूँ। 10वें नंबर पे है द शैडो स्ट्रेट्स। इस मूवी को जब मैंने देखा था भाई क्या कमाल की मूवी बनाई है, इसकी सिनेमेटोग्राफी, एक्शन और भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल है, मूवी एकदम नेक्स्ट लेवल है। जिन लोगों को एक्शन पसंद है और जिन लोगों को एकदम प्रो हो गए ना मूवीज के अंदर कि भाई मेरे को ये नॉर्मल मूवीज पसंद नहीं आती, उन लोगों के लिए ये मूवीज आती हैं। तो हमारी जो मेन कैरेक्टर है वो एक असिस्टेंट टीम के अंदर रहती है, लेकिन एक मिशन के अंदर फेल होने की वजह से उसे उस टीम से निकाल देते हैं। उसके बाद उसकी एक दोस्त बनती है जो बहुत ज्यादा छोटी होती है, लेकिन उन दोनों की बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल हो जाती है। लेकिन ट्विस्ट भी यहीं से आना स्टार्ट होता है, जो वो छोटी बच्ची होती है उसको कोई किडनैप कर लेता है और हमारी जो मेन लीड है, जो मेन कैरेक्टर है भाई, वो क्या ही फाइट करती है लास्ट तक। अब तुम्हें मूवी के अंदर देखने को मिलेगा भाई उस बच्ची से उन लोगों को क्या चाहिए थे, पावरफुल लोग या फिर कुछ और ही तिगड़म है मूवी के अंदर। मूवी के सिनेमेटोग्राफी, एक्शन और भाई स्लो मोशन से भाई नेक्स्ट लेवल मूवी कह सकता हूँ इसे। कुल मिला के अगर मुझे बोलना हो तो जो लोग एक्शन लवर्स हैं वो तो मिस कर ही नहीं सकते, मतलब करना नहीं चाहिए उन्हें। 9वें नंबर पे जो मूवी नेटफ्लिक्स पे फिलहाल ट्रेंड हो रही है वो आई थिंक ज्यादातर लोगों ने देख रखी है, ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीस्ट। जिन लोगों ने नहीं देख रखा उनके लिए एक छोटा सा स्टोरी बता देता हूँ कि अंदर हमें बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर्स देखने को मिलते हैं जो कि अर्थ को बचाते हैं यूनिकॉर्न से, जो कि अर्थ से भी ज्यादा बड़ा है और अर्थ को खाने के लिए आ रहा है। अब यूनिकॉर्न ऐसा क्यों कर रहा है, ट्रांसफॉर्मर्स के पास ऐसी कौन सी चीज है जो उसे चाहिए, वो सारी चीज तुम्हें मूवी के अंदर देखने को मिलेगी और लास्ट में वो कैसे हराते हैं वो भी। मूवी का सबसे ज्यादा बड़ा सेलिंग पॉइंट है उसका ट्रांसफॉर्मेशन, वो देखने में बहुत मजा आता है। मूवी नंबर 8, माथू वादारालारा। अब इस मूवी को स्किप करना पड़ेगा क्योंकि इस मूवी को मैंने खुद ने देखा, रीजन था ये हिंदी में अवेलेबल नहीं है, ये बाकी की रीजनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल, अगर तुमने देखी हो तो देख सकते, अगर तुम्हें आती हो तो देख सकते हो, बट ये नेटफ्लिक्स पे ट्रेंड कर रही है तो डेफिनेटली कुछ तो खास होगा। मूवी नंबर 7 हमारे पिछले वाले वीडियो के अंदर भी थी, उस टाइम पे तो नई रिलीज हुई थी इसलिए मैंने ऐड की थी, बट अब ये ट्रेंड कर रही है, कहीं हमारी ऑडियंस तो नहीं करवा रही। मजाक कर रहा हूँ गाइस। मूवी का नाम है सरीपोदा शनिवारम। कहानी कुछ इस तरह से है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो बचपन से ही एंगर इशू की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, किसी से भी कभी भी फाइट कर लेता है, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो एक रीजन की वजह से वो डिसाइड करता है कि वो सिर्फ सैटरडे को फाइट किया करेगा, एंड हफ्ते के बाकी की 6 दिन किसी से भी कोई फाइट नहीं करेगा, अगर कोई कर रहा है तो चुपचाप सुन लेगा, कोई भी कुछ भी बोल देता है वो सुन लेता है। बट घर पे आता है, एक डायरी के अंदर उसका नाम लिखता है, अगर अगले दिन यानी सैटरडे तक अगर उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है तो सैटरडे को जाके मस्त फाइट करता है। अब मूवी इस अकेले एक डिफरेंट रीजन की वजह से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है। मूवी के अंदर एक्टिंग काफी बढ़िया है, एक्शन भी बढ़िया देखने को मिलता है, और जो भाई इसके अंदर विलन का कैरेक्टर तुम्हें देखने को मिलता है एक टाइम पे, तो इतनी रियलिस्टिक एक्टिंग करता है कि ऐसा लगता है भाई मैं खुद 2-3 मतलब लगा ही दूं। बट हाँ भाई, मूवी डेफिनेटली बढ़िया और फैमिली फ्रेंडली है। नंबर 6 की मूवी अभी थिएटर्स में लगी हुई थी, रिसेंटली ये नेटफ्लिक्स पे आई, ज्यादातर लोगों ने देख ली होगी बट मुझे पूरा यकीन है कुछ लोगों ने नहीं देखी। विजय थालापति की मूवी है गोट, नहीं बकरी वाला नहीं, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो इसके अंदर जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसका नाम होता है नानी, जो कि एक इंटेलिजेंट फोर्स के लिए काम करता है, मतलब कि बाहर विदेशों में जाता है, इंडिया की सुरक्षा के लिए मिशंस करता है, लोगों के जो भी दुश्मन होते हैं इंडिया के उन लोगों से फाइट करता है, उन लोगों को मार देता है जो भी उसको करना होता है। लेकिन उसी वजह से उसके बहुत सारे दुश्मन बनना स्टार्ट हो जाते हैं और एक टाइम पे आने के बाद एक बहुत बड़ा उसके साथ इंसिडेंट होता है और उसके बाद वो इंटेलिजेंट फोर्स छोड़ देता है। ये सारी चीज छोड़ने के बाद वो फिर से किस तरह से उसके अंदर वापस इन्वॉल्व होता है, मूवी आगे किस तरह से बढ़ती है, मूवी में एक्शन काफी अच्छा देखने को मिलता है, एंड कुछ लोगों के लिए सरप्राइज एलिमेंट भी डेफिनेटली है कि यार ओ ये अच्छा ये वाला कैरेक्टर था, अच्छा ये ऐसे हो गया, वो वाला सीन भी तुम्हें देखने को मिलेंगे कि हाँ यार फ्लिप हो जाते हैं कैरेक्टर एकदम से, जिनके बारे में ऑब्वियसली तुमने सोचा नहीं होता। एंड MS धोनी का कैमियो भी देखने को मिलेगा, मतलब स्पॉइलर तो नहीं, स्पॉइलर नहीं है। एंड थालापति विजय की अगर तुम पहले से मूवी देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो, तो उनकी सारी मूवीज कंप्लीटली फैमिली फ्रेंडली होती है, जिसमें कॉमेडी होती है, एक्शन होता है, मास मसाला होता है, तो आराम से फैमिली को भी पसंद आएगी। नंबर 5 पे वही मूवी है जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, अगर तुम्हें एडवेंचर मूवी पसंद है तो ये वाली तुम्हें डेफिनेटली पसंद आएगी। मूवी का नाम है फैमिली पैक, नहीं कोई आइसक्रीम का नाम नहीं है, मूवी का नाम ही फैमिली पैक है। अगर तुम लोगों ने जुमानजी मूवी देखी है, जुमानजी का 1 पार्ट और 2 पार्ट, और तुम्हें वो पसंद आया तो ये भी 101% पसंद आएगा, और अगर उस तरह का कंटेंट देखना है तो ये वाला डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। तो इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि हम एक फैमिली दिखाई जाती है, उस फैमिली के अंदर वो लोग पहले स्टार्टिंग के अंदर यूं ही बैठ के वुल्फ का एक गेम खेलना स्टार्ट करते हैं, बट उसकी वजह से वो जादुई तरीके से पता नहीं कैसे पास्ट में चले जाते हैं एंड वो चीजें उनके साथ रियल लाइफ में होना स्टार्ट हो जाती है, उन्हें रियल लाइफ में सर्वाइव करना पड़ता है। एंड ये एडवेंचर काफी बढ़िया मूवी के अंदर, एडवेंचर मैं कहूंगा कि चलो ना भी होता ना
मूवी के अंदर जो कॉमेडी तुम्हें देखने को मिलती है वो बहुत बढ़िया है और एडवेंचर भी बढ़िया है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे मतलब मेरे को लगता है VFX और CGI की थोड़ी सी कमी थी, शायद बजट की वजह से। जब वो वुल्फ आता है ना तब तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं क्या क्यों बोल रहा हूँ ऐसा। बट सीरियसली यार मूवी कॉमेडी के परस्पेक्टिव से और एडवेंचर के परस्पेक्टिव से ऐसा कह सकते हैं कि एंटरटेनमेंट तुम्हें अगर चाहिए तो डेफिनेटली आराम से स्टार्ट कर सकते हो। वन टाइम वॉच तो 101% है। नंबर 4 पे एक ऐसी मूवी है जो काफी अंडररेटेड है, काफी कमाल की है, जिसकी स्टोरी भी बहुत कमाल की है और तुम कहते हो ना कि यार बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग कंटेंट है वो देखने को मिलता है। मूवी का नाम है कोंडल। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है मरुल, जो कि एक बहुत बड़े रीजन की वजह से जो हमें स्टार्टिंग में तो नहीं बताया जाता, तो ये एक शिप पे जाता है फिशिंग करने के लिए ताकि कमा सके। सब लोगों को यही लग रहा होता है, लेकिन मूवी का जब इंटरवल आता है मतलब 50% खत्म हो जाती है, तब भाई कमाल का सस्पेंस तुम्हें देखने को मिलता है, जहां पर एकदम ही सब कुछ चेंज हो जाता है, पूरा पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है और उनका एक लड़ाई भी हो जाती है उस शिप के अंदर, जहां पर वो पावरफुल लोगों के साथ भिड़ जाता है। स्टार्टिंग में लगता है कि नॉर्मल फाइट हो रही है, लेकिन बाद में चलता है कि वो जहाज पे भी एक रीजन की वजह से है और भाई मूवी के अंदर जो सस्पेंस तुम्हें 50% मूवी खत्म होने के बाद मिलता है वो बहुत ही ज्यादा कमाल का है। इसका ट्रेलर देखना, वो भी इतना बढ़िया तरीके से एडिटेड है कि तुम्हारा देखने का मन हो जाएगा ऑटोमेटिक। वैसे मैं मूवी के बारे में बहुत कुछ नहीं बता रहा क्योंकि मूवी सस्पेंसफुल है, तो तुम्हें अगर मूवी देखोगे तब तुम्हें ज्यादा मजा आएगा। नंबर 3 पर जो मूवी है वो उन लोगों के लिए जिनको कॉमेडी मूवीज बहुत ज्यादा पसंद है। अक्षय कुमार की एक नई मूवी आई थी, थिएटर्स में लगी हुई थी, मैंने थिएटर में भी देखी और फिर जब नेटफ्लिक्स पे आई तो वहां पर भी बहुत ही सही तरीके से एंजॉय किया। मूवी का नाम है खेल खेल में। कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है कि अक्षय कुमार और अक्षय कुमार के जितने भी थोड़े बहुत दोस्त होते हैं वो एक वेडिंग में जाते हैं, वहां पर बढ़िया एंजॉय करते हैं, बस रात को एक रूम के अंदर बैठ के मस्त बातचीत कर रहे होते हैं। वहीं पे किसी को आइडिया आता है कि सभी लोग अपना फोन टेबल पे रखेंगे और जो भी कॉल आएगा, कोई भी मेल आएगा, कोई भी मैसेजेस आएंगे वो सबके सामने पड़े जाएंगे और क्या क्या पोल पट्टी खुलती है और किस तरह से अक्षय कुमार उस सारी चीजों को कवर अप करते हैं, सारे मिल मुला के एक दूसरे की हेल्प करते हैं, भाई मजा आ जाता है मूवी को देखने के अंदर। एंड आई थिंक मूवी के अंदर ऐसा कुछ सीन भी नहीं है जो तुम फैमिली के साथ ना देख सको। डेफिनेटली अगर तुमने अभी तक ये वाली मूवी नहीं देखी तो एक ट्राई आज ही देना इसको। नंबर 2 पे जो मूवी है मैं लिख के दे रहा हूँ भाई, ये अभी तक की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से एक है जो मैंने इस पूरी लिस्ट में बताई ना, ये मूवी मैं हर किसी को रिकमेंड करने के लिए तैयार हूँ। बढ़िया नेक्स्ट लेवल फील गुड मूवी है जिसके अंदर तुम्हें कॉमेडी हल्की फुल्की देखने को मिलती है, लेकिन जो फील गुड है, जो स्टोरी है, जब तुम स्टार्टिंग से लेके एंड तक इसे कंप्लीट कर लेते हो तो भाई तुम्हें एक जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना वो नेक्स्ट लेवल है। वैसे इस मूवी का नाम मैंने जब गूगल ट्रांसलेटर पर डाला तो भाई इसका नाम आ रहा है ए हो इसे निचोड़ कर सुखा ले। एंड अगर इसका सच में ये नाम है तो भाई क्रिएटिव हो तुम लोग। मियां झागन समथिंग तो कुछ नाम है इस मूवी का जो कि मैं सही तरीके से प्रनाउंस नहीं कर पा रहा। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसकी एक प्रॉब्लम की वजह से उसकी सारी चीजें छूट जाती है, मतलब घर वर सब कुछ चला जाता है और उन्हें उस शहर को छोड़ के कहीं और शिफ्ट होना पड़ता है। एंड इसी वजह से वो बहुत अजीब टाइप से रहने लग गया, स्माइल नहीं करता, बहुत ही ज्यादा अंकल जी टाइप, किसी से कोई ज्यादा बात नहीं करता, अपने अंदर ही खुश रहना, उस टाइप से बहुत ही ज्यादा बोरिंग और अजीब सी लाइफ जीने स्टार्ट कर देता है। और 20 साल बाद में उसके किसी रिलेटिव की गांव के अंदर शादी होती है तो उसे आना पड़ता है 20 साल बाद। एंड वहां पे इसे मिलता है हमारा दूसरा मेन कैरेक्टर और उसके वजह से उसकी पूरी लाइफ किस तरह से चेंज होती है, उसका पूरा बिहेवियर किस तरह से चेंज होता है, भाई बहुत ही ज्यादा कमाल का है। टू बी ऑनेस्ट भाई मैं ये मूवी तुम्हें एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, जो फीलिंग इस मूवी को देखते टाइम आती है, जिस तरह से मूवी छोड़ के चली जाती है एक छोटा सा मतलब इसे दिल में कि यार भाई क्या मूवी है, उस टाइप का जो वो होता ना कि यार तुम कुछ भी कर लो ये मूवी हर एक किसी को पसंद आएगी, कभी भी स्टार्ट कर लो। स्टार्टिंग थोड़ी स्लो होती है डेफिनेटली, मूवी बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड रखी गई है, कोई एक्शन नहीं है, बहुत ज्यादा कॉमेडी भी नहीं है, कॉमेडी भी है ऐसी बात नहीं है, ठीक है। जो हमारा जो दूसरा मेन कैरेक्टर है वो डेफिनेटली तुम्हें एंटरटेन करता रहेगा पूरी मूवी के अंदर, लेकिन जैसे ही तुम इस मूवी को स्टार्ट करके कनेक्ट हो जाते हो तुम्हारा छोड़ने का मन ही नहीं करेगा इस मूवी को। एंड मुझे लग रहा है इस मूवी के बारे में कुछ ज्यादा ही बातें कर रहा हूँ, तो कुल मिला के ये मूवी तुम्हें 101,000 करोड़ % तुम्हें ये 100% देखनी चाहिए, मतलब क्या लॉजिक हो, ठीक है अपना अपना रिकमेंड करने का तरीका है। एंड नेटफ्लिक्स के अकॉर्डिंग जो नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है उसका नाम है दो पति, मतलब दो हस्बैंड नहीं दो पति, पति वो ताश वाला नहीं होता। तो इसके अंदर बेसिक स्टोरी में समझा देता हूँ क्योंकि एक सस्पेंस मूवी है तो तुम्हें एंडिंग पर जाने में पता चलेगा कि अच्छा ये सारी चीज क्यों हो रही थी। तो इसके अंदर बेसिकली कृति सेनन के दो रोल होते हैं, मतलब कि बेसिकली डबल होते हैं, ये दो सिस्टर्स होती है जो सेम टू सेम दिख रही होती है, लेकिन उनमें से एक बहन एक लड़के से शादी कर लेती है। भाई वो शादी से पहले ग्रीन फ्लैग था और शादी के बाद क्या ही रेड फ्लैग में कन्वर्ट होता है। अब उसका हस्बैंड उसको कुछ ज्यादा ही पीटता है और इसके अंदर इन्वॉल्व होती है काजल क्योंकि वो एक इंस्पेक्टर है। एंड बिना हेल्प मांगे काजल घुस जाती है उनके लफड़े में कि भाई मैं ही हूं जज, मैं ही सॉल्व करा के दिखाऊंगी और इस बंदे को तो जेल में जाना पड़ेगा। अभी चीज के अंदर मूवी आगे बढ़ती है, मूवी के अंदर एंडिंग डेफिनेटली प्रिडिक्ट कर ली थी मैंने, वो ज्यादातर लोग कर लेंगे, बट ऐसा कह सकते कि ये काफी ठीक ठाक मूवी है
देखने लायक तो है। एंड ये भी कह सकते हैं कि जो लोग बहुत ज्यादा सस्पेंस मूवीज देखते हैं वो भाई स्टार्टिंग के अंदर ही एंडिंग बता देंगे। तो ये है हमारी टॉप 10 लिस्ट, तुम्हें कैसी लगी बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, तुमने कौन सी मूवी देखी कौन सी नहीं देखी और तुम्हारी बेस्ट मूवी कौन सी इनमें से, मतलब जो तुमने देखी और तुम्हें पसंद आई वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो ताकि दूसरे लोगों की हेल्प हो जाएगी। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वीडियो का मैटर, मतलब लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आया हो, अगर मैं पसंद आया हूं तो सब्सक्राइब कर दो ताकि इस तरह की लिस्ट तुम्हें और बाकी मिलती रहे। बेसिकली क्या बोलता हूँ, मतलब सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अगर तुम्हें मूवीज देखने का कुछ ज्यादा शौक है तो वो बेल आइकन भी दबा सकते हो ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूं तुम्हें मिल जाए। वैसे तो हम सैटरडे को वीडियो अपलोड करते हैं, हम मिलते हैं आपसे अगले सैटरडे को अगले वीडियो के साथ।